उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार को क्रिकेट खेलने के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। मैच में नो बॉल को लेकर क्रिकेट खेल रहे दो बच्चों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों बच्चों ने एक दूसरे को मारा पीटा, जिसके बाद एक बच्चा बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाजमऊ के डी ए कॉलोनी एकता पार्क के इलाके में शाहनवाज के घर पर उनकी बेटी सारिया और 11 साल का नवासा आरिस कमाल रहता था। आरिस के पिता कमाल शहीद टेनरी में काम करते थे। कई साल पहले कमाल की कैंसर के चलते मौत हो गई थी। रविवार को आरिस टेनरी में काम करने वाले रेहान के 11 साल के बेटे अरहान समेत अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। नो बॉल फेंकने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद दोनों के बीच एक दूसरे का नाम चिढ़ाने से बात और बढ़ गई। देखते ही देखते दोनों में झगड़ा और उसके बाद मारपीट होने लगी। इस दौरान आरिस बेहोश हो गया, जिसके बाद क्रिकेट खेल रहे बाकी साथी उसे किसी तरह से घर लेकर पहुंचे, जहां से उसे लाल बंगला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की खबर मिलते ही थाना जाजमऊ पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरिस के घर वालों ने पुलिस के कहने के बावजूद पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घटना की तहरीर भी नहीं दी। साथ में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के मुताबिक आरिस कक्षा 6 में पढ़ता था। रविवार को हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, आरिस बॉलिंग कर रहा था जबकि अरहान बैटिंग कर रहा था। आरिस ने बॉल फेंकी, जिसे अरहान ने नो बॉल कह दिया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा। बच्चों ने बताया कि दूसरा बच्चा आरिस को कल्लू चाय वाला नाम से चिढ़ाने लगा। आरिस के पिता को भी उल्टा सीधा कहा। इस पर आरिस ने भी उसे भूरी नाम से चिढ़ा दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को मारने लगे, जिसमें आरिस बेहोश हो गया। लाल बंगला स्थित एक निजी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक बच्चे की मौत अस्पताल लाने के करीब आधा घंटा पहले ही हो चुकी थी। हो सकता है कि छाती में जोरदार घूंसा लगने से बच्चे की मौत हुई हो। घटना की सूचना पर जाजमऊ क्राइम इंस्पेक्टर जावेद खान भी पहुंचे। इस बीच दोनों परिवारों में समझौते की बात चलने लगी। जावेद ने पीड़ित परिवार से पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि बार बार समझाने के बाद भी मृतक की मां सारिया कमाल ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। यह बात उन्होंने खुद लिखकर भी दी, तहरीर भी नहीं मिली। आरिस की मौत ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। आरिस की मां सारिया का रो रो कर बुरा हाल है। सारिया की शादी साल 2013 में कमाल से हुई थी, लेकिन कैंसर के चलते कुछ साल बाद ही कमाल की मौत हो गई। अब बेटे की मौत के गम ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बेटे की अच्छी परवरिश के चलते उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।